हेलो एवरीवन, आज हम अपनी सिक्स क्लास के ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट के बारे में, वेजिटेशन के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में, इंडिया के में पढ़ रहे हैं। सेवन चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि इंडिया हमारी कंट्री में हमने फिजिकल्स डिवीज़न देखा था, पॉलिटिकल डिवीज़न देखा था, कहाँ 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 पे मतलब कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरेटरीज हैं, ये सब हमने देखा था। अब हम इंडिया के उसके बारे क्लाइमेट के बारे में देख रहे हैं। तो ये एट चैप्टर है और ये लास्ट चैप्टर है सिक्स क्लास का। इसके बाद हमारे सिक्स क्लास कंप्लीट हो जाएगी, सिक्स क्लास के सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम सेवन क्लास पे चलेंगे, ठीक है। तो इसमें इसमें हमारे क्या बता रखा है कि एक वेदर है, वेदर इसमें आपको वेदर मतलब समझना है। मैंने एक वीडियो बना रखी है वेदर और क्लाइमेट के बीच में जो डिफरेंस है, मैंने वो समझाया है। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना, कोई बात नहीं, पर मैं यहाँ पर भी समझा देती हूँ वेदर का मतलब क्या होता है। तो वेदर वेदर जैसे कि हमारे जो उसमें एटमोसफेयर में, जब हमारे एटमोसफेयर में डे टू डे चेंजेस होते हैं, डे टू डे चेंजेस मतलब कि हर घंटे चेंज हो रहे हैं, हर मिनट हर घंटे चेंज हो रहे हैं। अगर जैसे अभी आप देखोगे धूप निकल रही है, थोड़ी देर बाद क्या पता बारिश हो जाए, है ना। तो ये जो चेंजेस है मतलब डे टू डे हर एक घंटे में चेंज हो रहा है, हमें नहीं पता है कि भाई जैसे अभी क्या है बाद में क्या हो सकता है। तो ये जो चेंजेस है इसको कहते हैं हम वेदर, ये इसको क्या कहते हैं वेदर। तो ये क्या है वेदर, क्या है डे टू डे चेंजेस इन दी एटमोसफेयर, एटमोसफेयर में जो डे टू डे चेंजेस होते हैं उसको कहते हैं हम वेदर। कैसे चेंजेस, जैसे कि अभी अभी जैसे ठंड है, फिर बाद में क्या होता है कोल्ड हो जाए, जैसे थोड़ी सी गर्मी पड़ रही है बारिश हो जाए, बारिश से थोड़ी सी ठंड सी हो जाए, सनी है क्लाउडी हो जाए, हवा चल रही है फिर रुक जाए हवा, मतलब कि बहुत तेज़ हवाएं चल रही है फिर वो बंद हो जाए। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं वेदर में डे टू डे में, ठीक है। ऐसे चेंजेस अगर देखते हैं तो उसको कहते हैं हम क्या वेदर। अब हमारे इंडिया में चार सीजन्स हैं, कितने सीजन्स हैं, चार सीजन्स हैं। कौन कौन से, विंटर, समर, रेनी, ऑटम्न। विंटर मतलब कि ठंड, समर गर्मी, रेनी बारिश, ऑटम्न पतझड़। अब इन सीजन्स को हम देखते हैं कहाँ से कहाँ तक होते हैं, मतलब कि कितने महीने तक होते हैं। तो विंटर, विंटर मतलब कि ठंड, ठंड हमारी दिसंबर से लेके फरवरी तक होती है। समर, समर यानी गर्मी, गर्मी हमारी होती है मार्च, मार्च से लेके मई तक। फिर आता है बारिश, बारिश हमारी कब होती है, जून से लेके सितंबर तक। और ऑटम्न पतझड़ हमारा आता है अक्टूबर से लेके नवंबर तक। तो ये चार सीजन्स हैं। आप अगर आपसे कोई पूछे कितने सीजन्स हैं तो चार सीजन्स हैं, विंटर, समर, रेनी और ऑटम्न, ठीक। अब इसमें हमें बता रखा है, ये तो इंडिया के, इंडिया के बारे में कि इंडिया में कितने सीजन्स हैं। अब जैसे नॉर्थन हेमिस्फीयर में, नॉर्थन हेमिस्फीयर में समर कब होती है और विंटर कब होती है, ये हमें जानना है। तो विंटर कब होती है, मैंने आपको एक डायग्राम बताया था जैसे कि ये सन है, ये क्या है सन है, एक चैप्टर में था। और ये हमारी अर्थ है, अर्थ ऐसे ऐसे रोटेशन करती है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ जाती है, फिर यहाँ पे आ जाती है, हाँ ऐसे रोटेशन करती है। कौन से पाथ में, इलिप्टिकल पाथ में, और रोटेशन करती है। तो जब जब हमारे अर्थ यहाँ पर रहती है, यहाँ पर हमारा जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है, ये ऊपर वाला जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है, नीचे वाला साउथन हेमिस्फीयर, इस साइड हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर ज़्यादा लाइट रिसीव करता है। यहाँ पर नॉर्थन हेमिस्फीयर पर डायरेक्टली लाइट पड़ती है और ज़्यादा पार्ट नॉर्थन हेमिस्फीयर पर पड़ती है, इसलिए नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या होती रहती है, समर रहती है। फिर यहाँ पे हमारी अर्थ आती है, फिर यहाँ पे हमारा जैसे कि दोनों साइड सेम लाइट पड़ती है, नॉर्थन हेमिस्फीयर भी और साउथन हेमिस्फीयर भी सेम लाइट पड़ती है, इधर भी हमारी सेम लाइट पड़ती है। फिर हम बात करते हैं किसकी, इधर की, इधर इधर हमारे साउथन हेमिस्फीयर में, साउथन हेमिस्फीयर में ज़्यादा लाइट पड़ती है और नॉर्थन हेमिस्फीयर में कम लाइट पड़ती है। नॉर्थन हेमिस्फीयर में, एक मिनट, नॉर्थन हेमिस्फीयर में कम पड़ती है और साउथन हेमिस्फीयर में ज़्यादा लाइट पड़ती है, इसलिए नॉर्थन हेमिस्फीयर में हमारी ठंड रहती है। हम नॉर्थन हेमिस्फीयर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो इंडिया है ये इक्वेटर है, इंडिया हमारी नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करती है, ठीक है। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में जैसा टेम्परेचर रहेगा वैसा ही हमारे इंडिया का टेम्परेचर रहेगा, तो इसलिए हम नॉर्थन हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसमें वही लिखा हुआ है इस पूरे यहाँ पे, कोल्ड कोल्ड वेदर कब होता है, ये मतलब ठंड कब होती है और समर कब होती है। तो कोल्ड कब होती है, जब नॉर्थन हेमिस्फीयर पे लाइट नहीं पड़ती है, डायरेक्टली लाइट ना पड़े और जिसके कारण टेम्परेचर लो हो जाए, उसका उस टाइम पर विंटर सीजन होता है हमारे यहाँ पे। और जब हमारे यहाँ पे समर कब होती है, समर यानी गर्मी कब होती है, जब हमारे नॉर्थन हेमिस्फीयर पे ज़्यादा लाइट पड़े, नॉर्थन हेमिस्फीयर पे डायरेक्टली लाइट पड़ती है जब,
और साउथर्न हेमिस्फीयर पे लाइट ना पड़े, तो उस टाइम जो नॉर्थन हेमिस्फीयर का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर जैसे हीट ज़्यादा पड़ेगी तो उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे गर्म हवाएं चलती हैं, उन गर्म हवाओं को कहते हैं हम लू, ठीक है। और वहाँ पे गर्मी का सीज़न आ जाता है, समर आ जाता है वहाँ पे, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं रेनी सीजन्स के बारे में, रेनी सीज़न के बारे में और ऑटमन सीज़न के बारे में। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो यहाँ पे रेनी सीज़न लिख रहा है और क्या लिख रहा है, साउथ वेस्ट मानसून सीज़न। तो उसको साउथ वेस्ट मानसून सीज़न क्यों कहते हैं, क्योंकि इस टाइम इसकी ये जो टाइम होता है, ये हमारे इंडिया है, ऐसे कुछ इंडिया होता है हमारा, क्या बन गया ये, मतलब ये समझ लो ये जो साउथ वाला सीज़न है, ये यहाँ पे ये साउथ वाला है, यहाँ से ये क्या है अरेबियन सी, और ये हमारा बे ऑफ बंगाल, यहाँ से हमारी हवाएं चलती हैं। क्या चलती हैं, हवाएं चलती हैं, तो हवाएं चलती है वो इस साइड जाती हैं, तो वो ज़्यादातर हवाएं कहाँ चलती है, साउथ से वेस्ट की तरफ, साउथ से वेस्ट की तरफ, इस टाइम में साउथ से वेस्ट की तरफ बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं, इसको कहते हैं हम साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, क्योंकि यहाँ पे साउथ से वेस्ट की तरफ बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं। ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो यहाँ पे साउथ से वेस्ट की तरफ ऐसे चलती हैं हवाएं, जिससे इस सीज़न का नाम हो गया हमारा साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, क्योंकि यहाँ पे साउथ से वेस्ट की तरफ हवाएं चलती हैं। अब ये साउथ से वेस्ट की तरफ जैसे हवाएं चल रही हैं, ये इंडिया है, यहाँ से साउथ, ये मैं नीचे वाला पार्ट बना रही हूँ, यहाँ से जैसे ये हवाएं चल रही हैं, ऐसे ये हवाएं चल रही हैं, ये अपने साथ क्या लेके आ रही है, ये लेके आ रही है मॉइस्चर, इन हवाओं में क्या है, मॉइस्चर है। अब ये मॉइस्चर जैसे कि यहाँ पे लिखा है, व्हेन दिस वाइंड स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स रेनफॉल अकर्स, मतलब कि जब ये माउंटेन के बैरियर से टकराएंगी, जैसे ये माउंटेन के बैरियर से टकराए, वैसे ही हमारी क्या हो जाती है, रेनफॉल हो जाती है, इनमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है इन हवाओं में, और इनकी वजह से यहाँ पे इस पार्ट में क्या होती है, हमारी रेनफॉल होती है, ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं हम रेनी सीज़न, यहाँ पर रेनफॉल इन वाइंस की वजह से क्या होती है, रेनफॉल होती है। अब हमें पढ़ना है ऑटमन सीज़न, ऑटमन सीज़न या सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून होता है मतलब कि जो मानसून है वो वापस आ रहा है। अब मैंने क्या बताया था, जैसे कि हमारा क्या है, नॉर्थ है इंडिया का, ये साउथ है, ये वेस्ट है, और ये क्या है, ईस्ट है। इस इधर साइड से इधर साइड हवाएं चल रही हैं, ये हवा यहाँ पे गई, इस टाइम पे ये जो हवाएं हैं ना ये वापस आ रही होती हैं, ये हवाएं वापस आ रही हैं। अभी वापस कहाँ पे आ रही है, साउथ की तरफ, तो इस टाइम हमारे साउथ में जैसे तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, यहाँ पर रेनफॉल होती है हमारी, जब ये हवाएं यहाँ से वहाँ से वापस आती हैं हमारी, वहाँ से कहाँ से, जैसे कि ये साउथ से वेस्ट की तरफ चली, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, साउथ, ईस्ट, पहले तो ये हवाएं चली कहाँ से कहाँ, पहले ये हवाएं चली ऐसे, ठीक है, अभी आ रही है यहाँ से वापस। तो जब ये वापस आती है ना, तो पहले तो इन्होंने यहाँ पे रेनफॉल करा दी, फिर जब इसे वापस आती है, फिर होती है हमारी इधर साइड साउथ में रेनफॉल होती है, कहाँ कहाँ पे, जिसके तमिलनाडु हो गए, आंध्र प्रदेश हो गए, ये हमारे साउथ के पार्ट है, यहाँ पे फिर रेनफॉल होती है। अब यहाँ पे बता रखा है क्लाइमेट के बारे में, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे बता रखा है क्लाइमेट के बारे में, तो क्लाइमेट क्या है, इसमें देखो इस लाइन में क्या लिख रहा है क्लाइमेट के बारे में, यहाँ से आता है, क्लाइमेट इज़ अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन अकर्ड विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स। तो क्लाइमेट क्या है, मैंने क्या बताया, वेदर, वेदर क्या है, वेदर जिसमें डे टू डे चेंजेस हो, वेदर जिसमें डे टू डे चेंजेस हो। क्लाइमेट हमारा क्या है, क्लाइमेट हमारा एग्रीगेट है, एग्रीगेट मतलब कि वेदर का एवरेज। हमने जैसे देखा, हम जैसे क्या देखते हैं कि भाई जैसे रेनी सीज़न कब से कब तक होता है हमारा, जून से लेके सितंबर तक हमारा क्या होता है रेनी सीज़न। तो हमने क्या देखा, इन महीने में क्या है, बारिश हो रही है, फिर उसके बाद ऑटमन सीज़न आ जाता है, उसके बाद ठंड हो जाती है। तो हम क्या देख रहे हैं, इनमें क्लाइमेट क्या है, एक जैसा, इसमें बारिश हो रही है, इन महीनों में क्लाइमेट क्या है, एक जैसा, वेदर की बात नहीं कर रहे हैं, क्लाइमेट क्या है, एक जैसा, फिर बाद में क्या है, ऑटमन आ रहा है, फिर बाद में क्या है, ठंड आ रही। तो इसको हम कहते हैं क्लाइमेट, जो हम क्या निकाल रहे हैं, एग्रीगेट, जो हम एवरेज निकाल रहे हैं वेदर का, हम जो वेदर का एवरेज निकाल रहे हैं उसको कहते हैं हम क्लाइमेट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, इसमें बता रखा है कि इंडिया जो है, इंडिया, इंडिया का जो सीज़न है, इंडिया में जैसे मानसून टाइप का सीज़न, मानसून क्या होता है, मानसून एक हमारा अरेबिक वर्ड है जो कि मौसिन से आया है, जिसका मतलब क्या है, सीजन्स। इंडिया में अलग अलग तरह के सीजन्स हैं, जैसे समर, विंटर, रेनी सीज़न, ऑटमन सीज़न, तो अलग अलग तरह के सीजन्स हैं इंडिया में,
क्यों है ये अलग अलग तरह के सीज़न? क्योंकि इंडिया में जैसे कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर पहाड़ हैं, जैसे हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, कहीं पे पहाड़ है, यहाँ पर जैसे साउथ में, हमारे यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे डेजर्ट है, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया का जो रीज़न है, इंडिया का जो ज्योग्राफिकल रीज़न है वो अलग अलग, इसलिए इंडिया में सीजन्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। इंडिया में कहीं पे ज़्यादा रेनफॉल होती है, कहीं पे कम रेनफॉल होती है, जैसे राजस्थान में बहुत ही कम रेनफॉल होती है, और जैसे कि हमारे उनमें देखें पौंडुचेरी में, साउथ में ज़्यादा रेनफॉल होती है, आपने वो देखी होगी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है एज़ कम्पेयर टू राजस्थान। राजस्थान में इतनी कम रेनफॉल क्यों होती है, ये हम आगे समझेंगे। इसमें इसमें क्या बता रखा है, इसमें ये बता रखा है कि जो हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा जो क्लाइमेट है सीज़न का वेरी करता है। मतलब कि कैसे वेरी करता है, कि वहाँ पे लोकेशन कैसी है, एल्टीट्यूड हाइट कितनी है, डिस्टेंस कितना है सी से, ये भी देखा जाता है। तो वहाँ का क्लाइमेट उसी तरह से डिस्क्राइब किया जाएगा। जैसे कि जो साउथ में, इसमें बता रखा है कि जो राजस्थान का जो एरिया है, जैसलमेर और बीकानेर का, वो क्या है, इज़ इन दी डेजर्ट ऑफ राजस्थान, जो डेजर्ट वाला रीज़न है। और वो डेजर्ट वाला रीज़न होने के कारण, मैंने क्या बताया था, डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट में होती है, वो डेजर्ट होता है बहुत ज़्यादा हॉट, डेजर्ट क्या होता है, डेजर्ट होता है बहुत ज़्यादा हॉट। तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या होता है, हॉट होता है, ठीक है। वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है राजस्थान का, क्योंकि वहाँ पर डेजर्ट है। दूसरी तरफ देखें हम द्रास और कारगिल, जम्मू में, वहाँ पे क्या जाती है, बर्फ़ जमती है, इसके कारण वहाँ का जो रीज़न, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या होता है, ठंडा होता है, कोल्ड होता है। और देखिए हम मुंबई में, और कहाँ पे, कोलकाता में, जो हमारे कहाँ पे सी के पास है, मुंबई और कोलकाता हमारे नीचे वाले साइड आते हैं, साउथ की साइड आते हैं, थोड़े से यहाँ पे आते हैं हमारे, ठीक है। तो मुंबई और कोलकाता में मॉडरेट टेम्परेचर होता है, मॉडरेट टेम्परेचर मतलब कि ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा, बीच का जो है उसको कहते हैं मॉडरेट टेम्परेचर। फिर यहाँ पे बता रखा है कि मानसेराम मेघालय, मेघालय में वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल होती है मेघालय में। और राजस्थान में, अगर दूसरी तरफ देखें राजस्थान में, जहाँ पे रेनफॉल ही नहीं होती, नॉट इन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान, कि कहीं पे तो मेघालय में कहीं पे तो ज़्यादा रेनफॉल है और कहीं पे कम रेनफॉल है। तो ये हमारा किस पे बेस करता है, कि लोकेशन कहाँ पे, एल्टीट्यूड कितना है, डिस्टेंस कितना है सी से, तो इन चीज़ों पे क्या करता है, बेस करता है कि वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा, ठीक है, समझ गए। तो अब हम पढ़ रहे हैं क्या, नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, आपने अभी कभी गौर करा होगा, आपके सराउंडिंग में अगर आप हमें अगल बगल देखते हो, जैसे कहीं भी बाहर जाते हो, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे पेड़ दिखाई देते हैं, ठीक है, बहुत सारे पेड़ हो गए, झाड़ियाँ हो गई, और बहुत सारे ऐसे फूल के पेड़ है जो अपने आप उग जाते हैं। तो वो ऐसे पेड़, कुछ पेड़ लंबे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा पत्तियाँ होती हैं, जैसे कि जिन ज़्यादा पत्तियों वाले कौन से पेड़ होते हैं, इसमें एक नया पर ज़्यादा पत्तियों वाले पेड़ होते हैं हमारे नीम, मैंगो और कुछ अदर पेड़। और कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें पत्तियाँ बहुत कम होती हैं, जैसे कि पाम ट्रीज, कौन से ट्रीज, पाम ट्रीज, जिनमें पत्तियाँ काफ़ी कम होती हैं, मैं आपको दिखाती हूँ पाम ट्रीज। तो इस तरह के हमारी क्या होते हैं, पाम ट्रीज होते हैं, ये जिनमें पत्तियाँ जो हैं काफ़ी कम हैं, तो ये पाम ट्रीज होते हैं, ठीक है, तो वो होता है पाम ट्रीज। तो ये कुछ ऐसी वेजिटेशंस हैं जो अपने आप उग जाती हैं, अपने आप उग जाती हैं, मतलब कि कुछ ऐसे कंडीशंस में, क्लाइमेटिक कंडीशंस में जिनमें ह्यूमन का कोई इंटरफेयर नहीं होता, वह ऐसी अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन, जिस एरिया में क्लाइमेटिक कंडीशन जैसी होगी उस हिसाब से वहाँ पे पेड़ उग जाते हैं, वहाँ पे ह्यूमन का कोई, मतलब कि ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, मतलब जिसकी ह्यूमन का इंटरफेरेंस, मतलब किसी पेड़ को उगाने के लिए, जैसे आप कभी अपने गार्डन में कोई पेड़ लगाते हो तो उसकी देखभाल करते हो, उसमें पानी देना, उसके नीचे मतलब खुदाई वगैरह करना, खुदाई मतलब कि उसमें खाद वगैरह डालना, ये सब चीज़ें या चीज़ आप सब देखते हो। तो कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता और वो अपने आप उग जाते हैं, उनमें हम कोई इंटरफेरेंस नहीं कहते, कोई इंटरफेरेंस नहीं करते, उनको कहते हैं हम नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन, जहाँ पे जैसा क्लाइमेट होगा उस तरह की वेजिटेशन वहाँ पे उगते हैं। जैसे कहीं पे बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ पे अलग होंगे, कहीं पे गर्मी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे अलग तरह की वेजिटेशन होगी। तो इस तरह से कहीं पे ठंड ज़्यादा है तो वहाँ पे अलग तरह की वेजिटेशन होगी। तो इस तरह से हमारी जो वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन को हमें डिवाइड कर रखा है, कौन कौन से टाइप है नेचुरल वेजिटेशन के, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी बशेस, माउंटेन वेजिटेशन और मैनग्रोव फॉरेस्ट,
ये जो सारे फॉरेस्ट हैं ये हमारे नेचुरल वेजिटेशन के टाइप्स हैं। अभी हम इनको हम पढ़ते हैं। तो पहला हम जो फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं वो है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नाम से ही पता चल रहा है, रेन फॉरेस्ट जहाँ पे हमारी वो फॉरेस्ट जहाँ पे हमारी बारिश ज़्यादा होती हो। क्या ज़्यादा होती हो? बारिश, मतलब कि जहाँ पे वो, मतलब बारिश मैंने क्या बताया था कि बारिश कहाँ पे ज़्यादा होती है, मेघालय में, मेघालय में बारिश ज़्यादा होती है। मतलब कि जो नीचे साउथ वाले पार्ट्स है उसमें भी बारिश ज़्यादा होती है। तो ये वाले जो पार्ट्स हैं यहाँ पे इस तरह के हमें ये जो फॉरेस्ट है ये सब देखने को मिलते हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे ये फॉरेस्ट होते हैं। बारिश ज़्यादा होने के कारण इनकी जो, मतलब कि जो पेड़ है ये काफ़ी घने होते हैं। जैसे यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे एक पेड़ है, ऐसे ही घने होते हैं, ऐसे चिपके रहते हैं बिल्कुल भी थोड़ी सी। जैसे यहाँ पे सन है, इस सन की जो लाइट है वो नीचे पहुँच ही नहीं पाती। मतलब कि ये जैसे आप यहाँ पे नीचे हो, आप यहाँ पे क्या हो, आप नीचे खड़े हो और ये क्या है फॉरेस्ट, इतने डेंस फॉरेस्ट होते हैं कि जो सनलाइट है वो नीचे तक पहुँच ही नहीं पाते। नीचे हमारा क्या होता है, अंधेरा होता है। तो इतने डेंस फॉरेस्ट होते हैं, इतने डेंस फॉरेस्ट क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है इसलिए ये इतने डेंस फॉरेस्ट होते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, ये कौन से फॉरेस्ट है, ये है एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनका नाम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है, और क्या नाम है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी इनका नाम है। अब कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं? महागोनी हो गया, इबोनी हो गया, रोजवुड हो गया, ये सारे फॉरेस्ट इस ट्री के मतलब पार्ट्स हैं। मतलब ट्रॉपिकल एवर, ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? महागोनी हो गए, इबोनी हो गए और रोजवुड हो। और ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में पाए जाते हैं। और कहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब वेस्टर्न पार्ट्स में, वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न पार्ट्स में ये पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे? एक तो अंडमान निकोबार में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, वेस्टर्न घाट्स। मैंने क्या बताया था कि जैसे इंडिया है इधर साइड हमारे वेस्टर्न घाट्स है, तो वेस्टर्न घाट्स के इधर साइड, इधर साइड हमारे ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे। क्योंकि साउथ में जो है बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है, साउथ में क्या होता है बारिश ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पे बारिश ज़्यादा होने के कारण। तो ये हमारे रेन फॉरेस्ट हो गए। हम जो सेकंड टाइप है वो है हमारा ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट। तो जो ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट है वो हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट यहाँ पे क्या कह रहा है कि लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री वी हैव दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ज़्यादातर हमारी कंट्री इन फॉरेस्ट से घिरी हुई है, ज़्यादातर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन फॉरेस्ट को हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? मानसून फॉरेस्ट। और ये जैसे हमारे एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है मैंने क्या बताया था कि वो बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, इतने डेंस होते कि बहुत ही, जैसे पेड़ है वो आपस में कितने बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं उसको कहते हैं हम डेंस। डेंस मतलब कि बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं, गहरे मतलब वो इतनी ज़्यादा होते हैं, मतलब कि इतने ज़्यादा पास पास होते हैं, उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता उसको कहते हैं डेंस। बिल्कुल भी गैप ना होना, चिपके चिपके रहना डेंस। और ये होते हैं कम लेस, मतलब लेस डेंस होते हैं ये जो, जैसे ये पेड़ है, एक पेड़ यहाँ पे है तो एक पेड़ होगा हमारे यहाँ पे, इनके बीच में गैप होता है, काफ़ी गैप होता है इनके बीच में, तो ये लेस डेंस होते हैं। अब ये जो फॉरेस्ट है ये अपने जो लीव्स हैं, शेड देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। इसका मतलब क्या है, शेड देयर लीव्स मतलब कि ये जो पेड़ है, ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट है, ये अपनी जो पत्तियाँ हैं ये एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक साल के एक पर्टिकुलर टाइम पर अपनी पत्तियाँ जो है गिरा देते हैं। मतलब ये पतझड़ के टाइम पर ये अपनी, इनकी पत्तियाँ जो है वो गिर जाती है। और कौन कौन से ट्रीज़ हैं ये, जैसे हमने एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखा हमने महागोनी, इबोनी, ऐसे ट्रीज़, इसमें कौन से ट्रीज़ हैं? साल, टीक, पीपल, नीम और शीशम। ये कौन कौन से पार्ट्स में, इंडिया के कौन कौन से पार्ट्स में पाए जाते हैं? ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और महाराष्ट्र में। तो ज़्यादातर पार्ट में ये वाले हम क्या देखें कि ज़्यादातर पार्ट में ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसलिए हमारे इंडिया के ज़्यादातर पार्ट में हमें कौन से देखने मिलते हैं? ये वाले जो पेड्स हैं ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट, क्योंकि ये इंडिया के बहुत ज़्यादा पार्ट्स में पाए जाते हैं। अब कौन कौन से, कैसे पेड़ होते हैं? कुछ इस तरह से होते हैं, ये देखो, ये कम डेंस है, मतलब इनके बीच में गैप है, कितना गैप है, नीचे तक धूप पहुंच पा रही है। और ये जो फॉरेस्ट है एवरग्रीन फॉरेस्ट, मैं आपको दिखाती हूँ, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये रहे हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये इतने गहरे होते हैं कि नीचे तक धूप ही नहीं पहुंच पाती है। काफ़ी बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं ये, बहुत ज़्यादा चिपके चिपके होते हैं, नीचे तक बिल्कुल अंधेरा रहता है। और हमारे डेसीडियस फॉरेस्ट
ऐसे तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल गया आपको। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगले हैं हमारे थॉर्नी बशेस। तो थॉर्नी बशेस का मतलब होता है झाड़ियाँ। थॉर्नी मतलब कि कांटेदार। थॉर्नी जैसे हम कहते हैं ना कि थॉर्नी है भाई, कांटेदार है, तो कांटेदार झाड़ियाँ नाम से पता चल गया। तो ये जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं ये सूखे एरिया में पाई जाती हैं। तो सूखे एरिया मतलब सूखे एरिया से पता चल गया कि राजस्थान वाले एरिया में, राजस्थान वाला एरिया ज़्यादातर जो डेजर्ट वाले एरिया में वहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये जो कांटेदार पेड़ होते हैं, और आपने जैसे कि कभी सुना होगा जैसे कैप्टस का जो पेड़ है उसमें पानी पाए जाते हैं, तो जो भी ये कांटेदार वाले जो पेड़ है इनमें क्या होता है जैसे कि वहाँ पे सूखे एरिया में वहाँ पे पानी तो होता नहीं है, पानी की कमी होती है। तो ये जो कांटे वाले पेड़ है ये अपने अंदर पानी स्टोर करके रखते हैं, जैसे कभी भी पानी की कमी हो तो ये इस पानी को इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो कौन कौन से पेड़ हैं ऐसे थॉर्नी बशेस, कौन कौन से? जैसे कैक्टस इसमें अंदर आता है, खेर, बबूल, केकर, ये सारे पेड़ से कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, ईस्टर्न स्लोप्स में, वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न स्लोप में। एक हमने वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में देखे थे, हमने कौन से वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में देखे थे? एवरग्रीन। वेस्टर्न घाट्स के ईस्ट में है हमारे थॉर्नी बशेस। ठीक है, वेस्ट में तो क्या है हमारे एवरग्रीन, और ईस्टर्न स्लोप्स में है हमारे क्या ये थॉर्नी बशेस है, और गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने तीन पढ़ लिए हैं, अब दूसरा हम पढ़। तो कुछ इस तरह से होते हैं कांटेदार, ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं ना ये इसी का पार्ट है, थॉर्नी बशेस का ही पार्ट है। मतलब ये कांटेदार होते हैं, जो कांटेदार आपको पेड़ दिख रहे हैं मतलब वो सूखे एरिया में ज़्यादातर होते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको कि हर क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से अलग अलग पेड़ उगते हैं। जहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ पर कम बारिश हो रही है बिल्कुल सूखा है वहाँ पर कांटेदार वाले पेड़। तो ये सब पेड़ ऐसे उगते हैं हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो आगे हम पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा माउंटेन वेजिटेशन। माउंटेन वेजिटेशन मतलब कि नाम से पता चल रहा है वो वेजिटेशन जो माउंटेन पे उगती हो। तो माउंटेन पे अलग अलग तरह के वेजिटेशन उगती है हाइट के हिसाब से। जैसे कि आप माउंटेन, जैसे ये माउंटेन है हमारा, इस पर जितना आप ऊपर जाते रहोगे आपको अलग अलग तरह की स्पीसीज दिखने लग जाएगी। तो अलग अलग तरह की स्पीसीज मतलब अलग अलग तरह के पेड़, जैसे कि आप माउंटेन है, ये माउंटेन के आप नीचे हो तो इस तरह का पेड़ दिखेगा, फिर थोड़ी सी ऊपर जाओगे तो इस तरह का पेड़। तो हाइट के हिसाब से, हाइट में जैसे वेरिएशन आती है, मतलब कि हाइट में जैसे चेंजमेंट हो रहा है हम ऊपर जाते हैं तो पेड़ ऐसे हमारे जो है इनकी शेप चेंज होने लगती है। ये कैसी शेप है? ये है हमारी कॉनिकल शेप। इसमें देख रहे हैं ये कैसी शेप है, ये है कॉनिकल शेप। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जैसे ही पहाड़ के ऊपर जाते हैं, पहाड़ जैसे ऊपर जा रहे हैं, हाइट जैसे बढ़ रही है तो टेम्परेचर जो है हमारा घट जाता है। जैसे ऊपर जाते रहते हैं टेम्परेचर जो है घट जाता है, जिसके कारण इस ये पेड़ में वेरिएशन आ जाती है। इसमें बता रखें अगर आप हाइट पे जाओगे 15 मीटर से 2500 मीटर ऊपर जाओगे तो आपको ये कॉनिकल शेप के जो पेड़ है ये दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अब कॉनिकल शेप के पेड़ कौन से होते हैं? तो माउंटेन पे आपको चढ़ गया कौन से तरह के पेड़ उगते हैं? कॉनिकल शेप वाले। हाइट में ऊपर जाओगे तो ये जो इनकी वेरिएशन है ये मतलब चेंज होते रहते हैं ये। अब कौन कौन से इसमें आते हैं? इसमें आते हैं हमारे, इनको कहते हैं कॉनीफेरस ट्रीज। ये कॉन शेप में होते हैं ना, इनको कहते हैं कॉनीफेरस ट्रीज। इसका नाम कॉनीफेरस ट्रीज है। जैसे एवरग्रीन का नाम हमारा क्या है? रेन फॉरेस्ट। ऐसे माउंटेन वेजिटेशन का नाम हमारा कॉनीफेरस ट्रीज भी है। इसमें कौन कौन से आते हैं? चायर, चिर, पाइन, डियोडर, ये जो सारे ट्रीज हैं ये इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं माउंटेन वेजिटेशन के। ये सब हमारे ज़्यादातर पहाड़ी रीजन पर पाए जाते हैं। तो आप देख रहे हो कि कैसे जैसे रीजन बदल रहा है, यहाँ पे जैसे ठंड हो जाती है तो अलग तरह के पेड़ पाए जाते हैं, गर्मियों में अलग तरह के, बारिश हो रही तो अलग तरह के। तो क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से चल रहे हैं ये। जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होगा आपकी वेजिटेशन भी चेंज हो जाएगी। अब हम पढ़ रहे हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो भाई मैनग्रोव फॉरेस्ट ये हमारा लास्ट टाइप है फॉरेस्ट का। तो 5 टाइप्स हैं, एवरग्रीन, डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी बशेस, माउंटेन वेजिटेशन, और ये लास्ट है मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो मैनग्रोव जो फॉरेस्ट है वो सलाइन वाटर मतलब कि जो नमकीन पानी होता है ना वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। जहाँ कहीं पे आपको नमकीन पानी दिखेगा ना वहाँ पे ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर मैंने क्या बताया था, जैसे कि गंगा रिवर ये मान लो गंगा रिवर है, और यहाँ से क्या है ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है। तो ये जब बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, ये जो यहाँ पे वेस्ट बंगाल वाला पार्ट होता है ना हमारा, वहाँ पे
तो जैसे ये बे ऑफ बंगाल में मिलती है, हमारी जो रिवर्स है बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, तो ये जो दोनों रिवर्स है ये एक लैंड का पार्ट फॉर्म करती है। मैंने आप बताया था लैंड का पार्ट फॉर्म करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सुंदरबान। अब ये सुंदरबान नाम क्यों पड़ा, सुंदरबान जो कि कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे सुंदरबन, वेस्ट बंगाल में। ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है, इन मैनग्रोव फॉरेस्ट में एक वैरायटी आती है ट्री की, जिसका नाम है हमारा सुंदरी, जिसका नाम है सुंदरी। इस सुंदरी से ही हमारा नाम पड़ा क्या, सुंदरबन। क्या नाम पड़ा हमारा, सुंदरबन नाम पड़ा हमारा। तो आपको पता चला कि सुंदरबन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सुंदरी वहाँ पर ज़्यादातर जो पेड़ है वहाँ पर सुंदरी वाले पाए जाते हैं। सुंदरी मतलब मैनग्रोव फॉरेस्ट, जो सलाइन वाटर में सर्वाइव करते हैं। जहाँ पर सलाइन वाटर होगा वहाँ पर मैनग्रोव फॉरेस्ट होंगे। ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, एक तो मैंने बता दिया सुंदरबन पे, अंडमान निकोबार आइलैंड में, अंडमान निकोबार पर पाए जाते हैं। और कौन से ट्रीज़ हैं, सुंदरी नाम के ट्रीज़ हैं। तो हमारे पांचों जो टाइप्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। हम आगे पढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमने फॉरेस्ट के बारे में तो पढ़ लिया, कितने टाइप्स के फॉरेस्ट हैं हमारे, 5 टाइप्स के फॉरेस्ट हैं। अब ये फॉरेस्ट जो है ये नेसेसरी क्यों है, मतलब क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। अब देखो जो फॉरेस्ट है, मतलब कि जो पेड़, कोई भी जो पेड़ पौधे हैं, फॉरेस्ट मतलब कि पेड़ पौधे, उसमें पेड़ पौधे ही आते हैं। तो जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, जैसे उनको खाना बनाने के लिए दो चीज़ चाहिए होती है, एक तो वाटर, एक क्या चाहिए, एक चाहिए उनको वाटर और एक चाहिए उनको CO2। ये दोनों जब मिल जाते हैं, वाटर और CO2, जब वाटर और CO2 मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। और ये क्या रिलीज़ करते हैं, ये रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन। क्या रिलीज़ करते हैं, ये करते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो पेड़, एक तो पेड़ का क्या काम है कि वो हमें CO2, हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो CO2 है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, जो के लिए, जो हमारे लिए हार्मफुल है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। और क्या रिलीज़ कर रहा है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन तो चाहिए, सांस कहाँ से लेंगे, सांस लेने के ऑक्सीजन तो चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड करके, मतलब एब्जॉर्ब करके वो ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा है। दूसरा काम क्या कर रहे हैं, पहला काम तो हो गया, दूसरा काम क्या कर रहा है, जो हमारे जो ट्रीज़ हैं वो, जैसे कि ये ट्री है, इसने, इसकी जो जड़ है ये, इसकी आसपास की जो मिट्टी है ना, इसको जकड़े रखता है ये, मतलब इसने पकड़ रखी है ये मिट्टी। जैसे कभी भी बारिश आएगी तो ये जो मिट्टी है ये ऐसे डहल नहीं जाएगी, मतलब ये स्लाइड नहीं करेगी, क्योंकि इसने ये मिट्टी पकड़ रखी है। जैसे अभी कभी देखोगे पहाड़ पे जैसे पेड़ है ना, अभी कभी जैसे बारिश आ गई तो पेड़ ने मिट्टी को जकड़ रखा है, तो जो मिट्टी है ये स्लाइड नहीं करेगी। मान लो किसी ने पेड़ काट दिया, बहुत ही बेकार काम किया, पेड़ काट दिया, और पेड़ काटने के बाद यहाँ पे पेड़ तो है नहीं, अब मिट्टी कौन जकड़ेगा भाई। तो जैसे ही बारिश आएगी तो ये जो लैंड है, यहाँ की जो लैंड है ये स्लाइड कर जाएगी। इसको कहते हैं हम सॉइल इरोजन। क्या कहते हैं इसको, कहते हैं सॉइल इरोजन, मतलब कि जो सॉइल है वो अपनी जगह से हट गई है, उसको कहते हैं हम सॉइल इरोजन। तो पेड़ इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि वो जो सॉइल है उसको पकड़े रखते हैं, उसके जो रूट्स है वो सॉइल को पकड़ रखती है। तो सॉइल इरोजन को, मतलब सॉइल इरोजन बचाने के लिए पेड़ हमारे बहुत यूज़फुल है। फिर पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी देते हैं, हनी, फ्रूट दे दिए, गम, और जैसे कि जो वो रहते हैं एनिमल्स होते हैं, वो कहाँ पर रहते हैं, जंगल में रहते हैं ऑब्वियसली, घर में तो रहेंगे नहीं हमारे आके, तो पेड़ तो फॉरेस्ट तो होने चाहिए, तो फॉरेस्ट में ही तो रहेंगे। हमारे जो वाइल्ड लाइफ है वो कहाँ रहती है, फॉरेस्ट में। ये हमें टिम्बर प्रोवाइड करता है, रबर हमें प्रोवाइड, रबर हमारा पेड़ से बनता है, फर्नीचर जैसे लकड़ी वगैरह है, लकड़ी के जो सारे सामान है वो हमारे पेड़ से बनते हैं, मेडिसिन जो है वो हमें पेड़ से मिलते हैं। तो पेड़ हमें काफ़ी कुछ दे रहा है, हम क्या बदले में उसको बचा भी नहीं सकते, मतलब कि अगर जैसे हमने एक पेड़ काटा है, हाँ पेड़ तो जैसे काटते हैं लोग, बहुत सारे पेड़ लोग जो है पेड़ काटा है, हाँ ठीक है आपने पेड़ काट दिया, पर एक उगा भी तो दो उसके, जैसे आपने काट दिया तो फिर उगा दो, उगाना भी तो चाहिए, हाँ ठीक है काट लो पर उगा भी दो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पेड़ काट लिया पर उगाएंगे नहीं, ये बहुत ही बेकार काम है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप पेड़ काट रहे हो, जैसे कोई मजबूरी में आपने पेड़ काट भी लिया तो कोई बात नहीं काट लो, पर उगाना भी चाहिए। जैसे वन महोत्सव के टाइम, जब हमारा वन महोत्सव होता है तो हम बहुत सारे जो लोग हैं पेड़ लगाते हैं, तो हमें वन महोत्सव के दिन बहुत सारे लोगों को क्या करना चाहिए, इनक्रेज करना चाहिए कि आप पेड़ लगाओ, हमारी जो अर्थ है वो ग्रीन होगी, इससे हमें ऑक्सीजन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ख़त्म होगा। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही हार्मफुल गैस है हमारे लिए, वो क्या करती है, वो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ कर दे, तो पेड़ तो चाहिए, इसलिए हमारे लिए फॉरेस्ट नेसेसरी है। अब हम पढ़ रहे हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो वाइल्ड लाइफ मतलब कि जो जंगली जानवर हैं,
मतलब कि जंगली जानवर हैं वो उनकी लाइफ के बारे में, जैसे जंगली जानवर के कौन कौन, चीता मतलब कि शेर, हिरण ये सब, और बर्ड्स, ये सब जो है ये हमारी आती है वाइल्ड लाइफ में। ठीक है, वाइल्ड लाइफ में मतलब सारे एनिमल्स आते हैं, ये सोच लो आप, सारे एनिमल्स की जो भी स्पीशीज़ है वो हमारे वाइल्ड लाइफ में आती है। तो फॉरेस्ट ये कहाँ पर रहते हैं, ये रहते हैं हमारे फॉरेस्ट में, कहाँ रहते हैं, ये फॉरेस्ट में रहते हैं। तो वैरायटी कौन कौन सी एनिमल्स की, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, रेप्टाइल्स में रेप्टाइल्स के अलग अलग वैराइटीज़ हैं, जैसे रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल्स हो गए, हमारे जो छिपकली वगैरह है, चैमिलियन जो हैं, ये सब रेप्टाइल्स में आते हैं। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस जो ज़मीन पर भी रहते हैं और कहाँ पर रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ये सब कहाँ पर रहते हैं, ये रहते हैं हमारे फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट इनका क्या है, घर है, जैसे हम अपने घर में रहते हैं, तो ये कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं फॉरेस्ट में। अब यहाँ पे इसमें इसमें पैराग्राफ में सिर्फ एनिमल्स के बारे में बता रखा है कि कौन सा एनिमल कहाँ पे किस जगह पे पाया जाता है, कौन सी बर्ड किस जगह पे पाई जाती है। तो एक बार देख लेते हैं, जैसे हमारा नेशनल एनिमल क्या है, वो है टाइगर। तो टाइगर हमारे कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में पाया जाता है, जैसे कि कहाँ पर पाया जाता है, हमारा जो गिर फॉरेस्ट है, गिर फॉरेस्ट जो कि कहाँ पर, गुजरात में, वहाँ पर हमारे पाए जाते हैं लायंस, एलिफेंट्स और वन हॉर्न्ड राइनोसोरस हमारे पाए जाते हैं असम में, एलिफेंट्स और कहाँ पे पाए जाते हैं, केरला और कर्नाटका में पाए जाते हैं, केमल्स तो हमें पता है कहाँ पे, रेगिस्तान में मिलते हैं, तो रेगिस्तान, ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार डेजर्ट में, रान ऑफ कच्छ जो है गुजरात में है, तो गुजरात में, वाइल्ड गोट्स मतलब बकरियाँ, स्नो लिपर्स, बियर्स, ये कहाँ पे मिलते हैं, ये मिलते हैं हिमालय रीजन से, मतलब कि जो ठंडा मौसम है ना वहाँ पे मिलते हैं। और अदर टाइप्स के एनिमल्स भी वो पाए जाते हैं, मंकी, वुल्फ, जैकल, नील गाय, चीतल, ये सब हमारे पाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं बर्ड्स के बारे में, तो हमारी नेशनल बर्ड कौन सी है, हमारी नेशनल बर्ड है पिकॉक। पिकॉक हमारे नेशनल बर्ड है। जैसे हमारे एनिमल्स हैं, एनिमल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, बर्ड्स भी हमारे उतने ही ज़्यादा हैं। तो बर्ड्स में हमारे पैरट्स, पीजन्स, मैना, कीस, बुलबुल, डक्स, ये सब हमारे क्या है, बर्ड्स हैं। बर्ड्स के लिए भी हमने बहुत सारी सेंचुरीज बनाई हुई हैं। सेंचुरीज मतलब कि जैसे कि हम उनके लिए सेंचुरी जहाँ पे हमने बर्ड को क्या कर रखा है, सेव कर रखा है, जो बर्ड की जो वैराइटीज़ हैं वो ख़त्म ना हो। ठीक है, तो सेंचुरी उनके लिए हमें क्या बनाते हैं, हम सेंचुरीज बनाते हैं। ठीक है, तो सेंचुरीज पत्थर का क्या होता है, तो ये हो गया मैंने सेंचुरीज। अब बहुत सारी मतलब हमने बहुत सारी बर्ड्स हैं, लेकिन जो कुछ लोग हैं ना बर्ड्स को क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, हंटिंग मतलब कि उनको मार देते हैं। तो ये सरकार ने जैसे एनिमल के ऊपर रोक लगा रखी, आप एनिमल्स को नहीं मार सकते, ऐसे उनको रोकने के लिए हमने सेंचुरीज बना रखी है, ताकि हम उन बर्ड्स को क्या कर सकें, सेव कर सकें। तो इन बर्ड्स के बारे में बता रखा है यहाँ पे, कौन कौन से बर्ड्स हैं, कौन कौन से एनिमल्स हैं, तो इसमें यही बता रखा है। अब हमारा ये छोटा सा पार्ट और रह रहा है, इतना सा पार्ट, तो इसको हम समझ लेते हैं इसमें क्या क्या बता रखा है। तो इसमें बता रखा है कि हमारे इंडिया में जैसे एनिमल्स की वैरायटी है, बर्ड्स की वैरायटी, उस तरह हमारे में स्नेक्स की वैरायटी भी है। किसकी वैरायटी है, स्नेक्स। स्नेक कौन कौन से, कोबरा हो गया, क्रेट्स हो गए, स्नेक की वैरायटीज है, लेकिन उनमें इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी है, कोबरा हो गई और क्रेट्स हो गई। लेकिन अभी क्या होती जा रही है, एक्सटिंक्ट होती जा रही है, एक्सटिंक्ट मतलब कि विलुप्त, ख़त्म होती जा रही है। तो इन एक्सटिंक्ट क्यों होती जा रही है, क्योंकि हम फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं, हम बहुत सारे लोग जो हैं फॉरेस्ट की मतलब फॉरेस्ट को काट रहे हैं और कुछ हंटिंग कर रहे हैं, मतलब कि इनको जानवरों को मार रहे हैं, इनका शिकार कर रहे हैं। तो इसके कारण ये क्या होती जा रही है, एक्सटिंक्ट होती जा रही है। ये सब देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या करे, बहुत सारे नेशनल पार्क्स खोले हैं, सेंचुरीज खोली है, बायो रिजर्व्स खोले हैं, जिनमें हम इन एनिमल्स को, ये जो एनिमल्स हैं इनको हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट ने क्या चलाया है, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट, जहाँ पर वो इन टाइगर्स मतलब कि जो टाइगर है ना और एलिफेंट है, वो आने वाले समय में ऐसा पता चला कि आने वाले समय में वो क्या हो सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया है, ताकि इन सबको, प्रोजेक्ट टाइगर को मतलब टाइगर को और एलिफेंट को वो बचा सके। बहुत सारे बायो रिजर्व्स, बहुत सारी सेंचुरीज बनाई गई है इन एनिमल्स के लिए। तो जैसे अब सरकार तो ये कर रही है, सरकार ये कर रही है, क्या हम भी, हमें भी कुछ करना चाहिए, यस हमें भी कुछ करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स की स्किन से, उनकी हॉर्न से, हॉर्न मतलब सींग से, उनकी फर से, उनके फैदर से बहुत सारी ऐसी चीज़ बनती हैं जो हमारे, जैसे हम ह्यूमन जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे उनकी जो स्किन है, उनकी स्किन से क्या बनते हैं, जैसे बहुत सारे स्किन से जूते बनते हैं, उनकी स्किन से लेदर बनता है।
तो उनको मार के, हम उनको मार रहे हैं फिर उनसे ये सब चीज़ें बना रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। हम अपने यूज़ के लिए दूसरे एनिमल्स को तो नहीं मार सकते, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो इन सब चीज़ ये जैसे लेदर की चीज़ हो गई या फिर ऐसे जूते जो उनसे बने हों उनको हम ख़रीदें ना। अगर उनको हम ख़रीदेंगे ही नहीं, उनकी डिमांड, जैसे डिमांड उनकी मार्केट में कम हो जाएगी अगर उनको ख़रीदेंगे ही नहीं, लोग ख़रीद ही नहीं रहे हैं तो वो बनाएंगे भी नहीं। या फिर सरकार क्या कर दे, इन सब चीज़ों पर रोक लगा दे कि आप ये नहीं बना सकते, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को या तो ख़रीदे नहीं। तो ये सब के लिए कि इतना सब देखने, हंटिंग हो रही है, फॉरेस्ट कट रहे हैं तो, और हमारे जो एनिमल्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। हम हर साल फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, फर्स्ट वीक जो अक्टूबर होता है वो उसको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ वीक। इसमें हम लोगों को अवेयर करते हैं कि हमारे लिए एनिमल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, हमारे लिए वो क्या क्या काम करते हैं, एनिमल्स किंगडम को हम किस किस तरह से बचा सकते हैं। तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर हमारा क्या होता है, वाइल्ड लाइफ वीक होता है। इसमें हम एनिमल्स के बारे में बताते हैं। फिर यहाँ पर एक और छोटा सा टॉपिक है हमारा जो है माइग्रेटरी बर्ड्स। तो माइग्रेटरी, माइग्रेटरी का मतलब समझ लो, जब जैसे मान लो एक इंसान है वो कहाँ पर रह रहा है, वो अभी रह रहा है राजस्थान में। जब वो राजस्थान से, जैसे अब राजस्थान में रह रहा है, फिर उसने राजस्थान छोड़ के वो रहने लग गया बिहार में, तो उसने क्या कर लिया, उसने कर लिया है माइग्रेट। राजस्थान छोड़ के वो चला गया है बिहार में, तो उसने क्या कर लिया, माइग्रेट। इसको कहते हैं माइग्रेट, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, तो उसको कहते हैं माइग्रेट। तो ऐसे हमारी माइग्रेटरी बर्ड्स होती है, वो क्या करते हैं, जैसे माइग्रेट बर्ड कौन कौन सी हैं, पेलिकॉन, साइबेरियन क्रेन, स्टॉर्क, फ्लेमिंगो, पिनटेल, डक, ये सब हम क्या है, माइग्रेटरी है। ये जैसे कि विंटर के सीज़न में बहुत सारी कंट्रीज़ में विंटर के सीज़न में ये माइग्रेट कर जाती है। जैसे विंटर का ठंड का मौसम आता है, ये वहाँ से माइग्रेट कर जाती है, दूसरी कंट्री में चली जाती है। ऐसे ही साइबेरियन क्रेन्स हैं, वो साइबेरिया से माइग्रेट कर जाती है और यहाँ पे मतलब कि बहुत सारी कंट्रीज़ में चली जाती हैं। तो ये होती है हमारी माइग्रेटरी, जो एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है, जिनका एक जगह ठिकाना नहीं रहता वो भटकती रहती है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं